देखिए मैं किलर का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बट किलर हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमारे फिल्म अनजाना अनजानी के साथ जुड़े हुए, वो हमें बहुत मदद करे, जो हमारे लिए पोस्टर्स लगा रहे, हमारे लिए पब्लिसिटी में मदद करे। तो ये एक अच्छा सा जैसे मैरिज है दो हमारी फिल्म का और किलर जीन्स का। किलर जीन्स ऑफ कोर्स इज वेरी पॉपुलर अमंग्स द यूथ, सो आई होप दैट थ्रू किलर जीन्स यू नो अनजाना अनजानी रीचेस द यूथ एंड दे कम एंड सी द फिल्म ऑन 24th of September। मैंने ऐसे प्रोड्यूसर मिस्टर साजन एडियाड वाला से भी मेरी बात हुई है। मैं वो क्या है कि जब हम फिल्म रिलीज़ करते और इतनी नज़दीक आते तो यू नो मेरे अलावा प्रोड्यूसर है, एग्जीबिटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, थिएटर ओनर्स हैं, सबके पैसे जुड़े हुए हैं, डेट जुड़ा हुआ है, प्रिंट्स चले गए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि अभी हम चेंज करें। लेकिन क्योंकि यू नो अनफॉर्चुनेटली इस डेट दिस जो ये डेट है 24th September और जो उस दिन होने वाला जो अयोध्या का वर्डिक्ट निकलने वाला है, आई थिंक इट्स वेरी बिग। तो मैं यही चाहूँगा कि यू नो मुझे उस दिन मेरे फिल्म का फिल्म के बारे में नहीं सोचना, मुझे यू नो कंट्री के बारे में सोचना, मुझे सोचना कि क्या होगा उस दिन। तो मैंने यही यू नो एक यही सोच के साजिद भाई से कहा था कि अगर हम पोस्टपोन करें पिक्चर तो अच्छा होगा। प्रमोशन होता है तो रोज़ ऐसा ही हेक्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर सिर्फ इवेंट्स नहीं हो तो डबिंग है, प्रमोशन है, फिल्म के बारे में कितनी सारी चीज़ें होती हैं फिल्म के साथ एसोसिएटेड। लेकिन हमारा काम है और हमें इस काम का बहुत शौक है, हमारा पेशा है एक्टर होना, और किसने कहा था एक्टर बनो अगर ये नहीं कर सकते। और हमें आपका भी शुक्रिया अदा करना है कि यू नो हम इतने इवेंट्स के लिए जाते हैं, आप हमारे साथ आते हो, आप हमें कवर करते हो। अगर आप होते नहीं दोस्त बन गए, अगर आप होते नहीं तो ये सब होता नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई थिंक मुझे नाकामयाबी से डर लगता है, फेलियर स्केयर्स मी, आई एम अ वेरी बैड लूजर। अगर मुझे एक्टिंग करने का मौका नहीं मिले मैं उससे डरूंगा, लूजिंग माई फैमिली, लूजिंग माई लव्ड वंस, माई फ्रेंड्स एंड और किसे डर लगता है। और मुझे पानी तैर से तो कभी डर नहीं लगता, मुझे पानी से डर लगता है, डबल ढोल तैरने में डर लगता है, और मुझे हाइट से डर लगता है। ये तो अब सब जानते हैं कि मैं डरपोक हूँ, बट सिर्फ ये दो चीज़ों से डरपोक हूँ।